आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि विद द हेल्प ऑफ कंपास, दिस इज कंपास एंड दिस इज रूलर एंड दिस इज प्रोटेक्टर। विद द हेल्प ऑफ कंपास, प्रोटेक्टर एंड रूलर, हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट द राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल को किस तरह से कंपास और प्रोटेक्टर के मदद से बनाया जाता है। आज हम 90 डिग्री राइट ट्रायंगल बनाएंगे। तो पहले हमने एक लाइन डालनी है, ये मैं रूलर यूज़ करूँगा। पहले हमने एक लाइन ड्रा करनी है, तो मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। सपोज दिस इज़ एनी रेडियस लाइन, तो इसको मैंने ड्रा किया। इसको ड्रा करने के बाद अब हमें कंपास यूज़ करना है। तो कंपास को यूज़ करने से पहले मैंने आपको बताया है, कंपास द टू लास्ट टिप्स, one side is pencil and one side is the needle of compass. These two should be equal before using the compass. Compass use करने से पहले बिल्कुल बराबर होना चाहिए, पेंसिल की नोक और कंपास की नोक इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कंपास है सॉफ्टवेयर में, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो इसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट करना है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल इस टाइप की होती है, दिस इज रफ शेप ऑफ राइट ट्रायंगल। तो इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर इसका 90 डिग्री होता है, तो इसमें हमने एक लाइन डाली, ये है हमारी लाइन। अब हम कंपास यूज़ करेंगे। तो कंपास को क्या करना है, कंपास का एक साइड पेंसिल साइड, दिस इज़ माई पेंसिल साइड हियर एंड दिस इज़ द नीडल साइड। मैं इस नीडल साइड को उठा के यहाँ पर लाऊंगा। दिस नीडल साइड शुड बी एट दिस पॉइंट, अगेन इस पॉइंट पे लाना है। इस पॉइंट पे लाने के बाद आपको एनी रेडियस रखना है इस कंपास का, आपकी मर्जी है जितनी आप रखोगे। तो मैं इसको कम करता हूँ थोड़ा सा, इतना रख सकता हूँ। इसके बाद हम इस कंपास को इधर लाते हैं, तो एक आर्क हम ड्रा करेंगे ऐसे। आफ्टर दिस देयर शुड बी सेम रेडियस, कंपास का रेडियस सेम रखना है, इतना ही। अब यहाँ से इसको उठाना है, उठाने के बाद इसको इस पॉइंट पे ले जाना है, यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुआ है, हमारी ये लाइन इस आर्क से इंटरसेक्ट हुई है। इस पर लाने के बाद हमें यहाँ पर इसको और आर्क सेम रेडियस, प्रकार को सेम रखना है, कंपास को सेम रखना है, और ऐसे एक कट। उसके बाद इसको उठा के इस वाले पॉइंट पे लाना है एंड रेडियस मस्ट बी सेम, कंपास का रेडियस सेम रखना है। तो इसको और एक कट डालना है, तो ये मैं डाल देता हूँ और एक कट। ये डालने के बाद, ये कट डालने के बाद अब हमें अगेन सेम ही रखना है और इधर ऊपर एक और आर्क ड्रा करनी है। तो मैं इसको यहाँ पर सेम रेडियस, कंपास को सेम रखना है और यहाँ पर और एक आर्क ड्रा करनी है। फिर इस कंपास को यहाँ से उठा के इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाना है जहाँ पर ये दो लाइन्स आपस में कट करती है, इसको वहाँ पर लाना है। लाने के बाद पहले चेक करते हैं हम क्या ये सही पोजीशन पे आया कि नहीं आया। इसको एक्यूरेट, दिस मस्ट बी एक्यूरेट एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू आर्क्स। इस पे रखने के बाद हम यहाँ से और एक आर्क डालेंगे, ये डाल दिया हमने। इसके बाद हम कंपास को साइड में रखते हैं। तो अब हम यहाँ से रूलर को लेते हैं, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम जॉइन करेंगे, वी विल जॉइन दीज टू पॉइंट। Now I will put this near to this point here. This is our point, and we will join this. Again we will join these two points. This is the point. I will join this by this point. This is our construction. It means we construct a right triangle by compass, ruler and protector. ये हमारी construction थी जिसको हमने complete किया ruler, protector और कंपास के ज़रिए से। अब हम इस प्रोटेक्टर के ज़रिए से इसको चेक करेंगे कि ये 90 है, वेदर दिस इज़ ए 90 और नॉट। दिस इज़ द लाइन, दिस लाइन शुड बी, दिस इज लाइन, इट मस्ट बी ऑन दिस लाइन एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन है नीचे, इस लाइन को इस लाइन पे लाना है, तो मैं लाता हूँ इसको। ये एक्यूरेट पोजीशन पे है, तो हम चेक करेंगे कि हमारा ये 90 बन रहा है कि ना। यहाँ ये 90 है, यस, दिस इज़ 90 डिग्री। हाउ? बिकॉज दिस लाइन टचेस द 90 हियर। इट मीन्स आवर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। वी कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 डिग्री एंगल। इस तरह से हम 90 डिग्री एंगल या राइट ट्रायंगल बना सकते हैं। तो यह हमने 90 डिग्री एंगल और राइट ट्रायंगल बनाया। अब मैं इसको नाम रखता हूँ यहाँ पर ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। हियर ए बी C is a right triangle. ABC is right triangle. तो steps of construction क्या है? Steps of construction means पहले क्या हमने किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, तो उसी को हम steps of construction बोलते हैं कि हमने इस right triangle को, इस construction को किस तरह से कंप्लीट किया, किस तरह से बनाया। ये था हमारा क्वेश्चन। आप इसको पढ़िए, अच्छी तरह से देखिए और प्रैक्टिस करिए, आपको इजीली एग्जाम में सॉल्व करना आएगा।